हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। एक क्वेश्चन बड़े दिनों से मेरे पास बार बार आ रहा था कि हमारे स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं है, लेकिन हम एनसीसी लेना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन कैडेट्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में एनसीसी नहीं है, आसपास के किसी स्कूल कॉलेज में एनसीसी है, तो किस तरीके से एनसीसी के कैडेट बन सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले आप एक काम करिए, अपने टीचर स्कूल या कॉलेज से जिस जो अगर कोई जानकार है या आसपास में कोई कैडेट है, उससे इंक्वायर कीजिए कि आसपास में एनसीसी यूनिट कहाँ है या कौन से स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है। ओके, या फिर अपनी सिटी में क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनसीसी अगर किसी भी उधर है, किसी भी शहर में है, तो उनका हेडक्वार्टर्स, उनकी यूनिट हमेशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। ओके, वो आजू बाजू गाँव में किसी कस्बे में नहीं होगी, वो हमेशा सिटी के अंदर होगी, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वहाँ का, उधर होगी। तो आप उधर पता कीजिए कि यूनिट है कहाँ, या फिर किसी स्कूल या एनसीसी में आपके आजू बाजू में या बाजू वाले स्कूल में है, तो वहाँ पे पता कीजिए। पता क्या करना है, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी। या किसी इंस्टीट्यूट में है, जैसा कि मैंने बताया। नाउ आस्क ANO अबाउट द एडमिशन। सपोज आपके बाजू वाले स्कूल में, बाजू वाले कॉलेज में एनसीसी है, आप उधर गए, आप हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज का एक ANO होता है। आप किसी भी एनसीसी कैडेट से वहाँ पूछेंगे कि ANO सर से मिलना है, तो वो आपको बता देगा। ओके, आप उस ANO सर से बोलिए कि सर, मैं इस ऐसे ऐसे बाजू वाले स्कूल का या XYZ स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो इसलिए मैं एनसीसी लेना चाहता हूँ, क्या मेरे को इस कॉलेज की तरफ से एनसीसी मिल सकती है। ऐसा होता है, भले ही आप उस कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन उस कॉलेज के थ्रू एनसीसी मिल जाती है। मे बी या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। ओके, हाँ कह देंगे तो कोई बात ही नहीं है, वो आपको सारी प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से क्या करना है, एंड ही विल टेक यू। अगर ना कहते हैं तो, इफ़ ही और शी डज नॉट कंसिडर, आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, तो गो टू एनसीसी यूनिट इन योर सिटी। जो मैंने आपको शहर में बताया, सपोज़ आप किसी भी एनसीसी कैडेट से पूछोगे कि भाई आपकी यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ है, कि हमारे आसपास में यूनिट कहाँ है, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आर्मी के पर्सनल्स मिलेंगे आपको, फौजी मिलेंगे। ओके, वहाँ पे होते एक सीनियर JCO करके, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि सर, मैं इस तरीके से इसी कॉलेज इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मेरे स्कूल में एनसीसी नहीं है, लेकिन मैं एनसीसी लेना चाहता हूँ। या तो वो आपका काम कर देंगे कि वो आपको किसी भी आजू बाजू वाले स्कूल में एनसीसी एफिलिएट करवा देंगे, या फिर ही विल डायरेक्ट यू टू CO साहब, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ यूनिट। ओके, उनका ऑफिस उसी यूनिट में होता है, सो वो बोलेंगे कि नहीं, पहले CO साहब से मिलो, देखते CO साहब क्या कहते हैं। ओके, मीट सीनियर JCO और CO साहब। ओके, कमांडिंग ऑफिसर ये अमूमन कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के आर्मी ऑफिसर होते हैं। ओके, पुट यूर केस इन फ्रंट ऑफ देम, फ्रंट ऑफ हिम, सॉरी, हिम और हर। ओके, और उनको बताइए, सर या मैडम, जो भी ऑफिसर वहाँ पे कमांड कर रहे हैं, कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल या कॉलेज से हूँ, मेरे को एनसीसी चाहिए, लेकिन मेरे स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं है। ओके, अगर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होगा, ही विल मेक यू अश्योर दैट, हाँ, प्लीज़ मेक हिम अश्योर कि आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप एनर्जी एनसीसी के लिए तत्पर हैं, कुछ चीज़ें एनसीसी के बारे में पढ़ के जाइए इन ऑर्डर टू इम्प्रेस हिम। वो क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं भाई एनसीसी क्यों लेनी है, एनसीसी लेना क्यों चाहते हो आप, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बी रेडी। ओके, नाउ व्हाट दे कैन डू, देन यूनिट में कंसिडर योर एप्लीकेशन एंड अलॉट यू ए स्कूल और कॉलेज नियर बाय। ओके, यूनिट क्या करेगी, सपोज आप गए यूनिट में, ओके, यूनिट हेडक्वार्टर्स में गए। ओके, यूनिट हेडक्वार्टर क्या करेगी, जितने भी सपोज आप स्कूल के स्टूडेंट, जितने भी स्कूल्स में एनसीसी है, तो आपके स्कूल के आजू बाजू जो भी स्कूल होगा, उस स्कूल में आपके लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी, बोलेगी और कि इस एक कैडेट को अपनी जितनी भी आपके स्कूल्स में सीट हैं, उस सीट में, उन सीट्स में से एक सीट इस कैडेट को दे दी जाए। ओके, इट डिपेंड ऑन द वैकेंसी, कई सारे फैक्टर्स पे काम कर वो डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर अच्छे से अपना केस पुटअप करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो ही और सी मे कंसिडर योर एप्लीकेशन, आपको एनसीसी मिल सकती है। सेम तरीके से आप जहाँ पे भी हैं, अगर आपके आजू बाजू में जिस कॉलेज में एनसीसी है, उस कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगी यूनिट, और आप
अपनी एनसीसी की ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर स्कूल या उस पर्टिकुलर कॉलेज से करेंगे, ना कि आपके खुद के कॉलेज या खुद के स्कूल से। ओके, आपको टाइम टू टाइम कैंप्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, आपको कैंप करने ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि एनसीसी में एग्ज़ाम होता है। ओके, और एनसीसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैंप्स ज़रूरी होते हैं। ओके, सपोज ए सर्टिफिकेट मिलता है आपको स्कूल में। ओके, जब आप स्कूल में 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो। ओके, तो उसके लिए आपको कोई एक कैंप करना ज़रूरी होता है। बी सर्टिफिकेट मिलता है जब आप कॉलेज में आने के बाद, आपको बोलते हैं सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग के कैडेट बनने के बाद, जब आप कॉलेज में 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो आपको बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, जिसके लिए कोई एक कैंप करना ज़रूरी होता है। सेम सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जब 2 साल बी सर्टिफिकेट प्लस 1 साल की ट्रेनिंग और कर ली हो, तब आपको सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। उसके लिए 2 कैंप ज़रूरी होते हैं, एक CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एक कोई और कैंप। ओके, तो इसलिए कैंप ज़रूरी होते हैं। ऐसे केस में आपकी पूरी ट्रेनिंग एक्टिविटी, आपका NCC का जितना भी लेखा जोखा है, वो जिस स्कूल या कॉलेज को यूनिट अलॉट करती है आपके लिए, उसमें होगा। ओके, आपके खुद के स्कूल या NCC, खुद के स्कूल या कॉलेज में NCC नहीं आएगी, आपको उस स्कूल या उस कॉलेज में जाना पड़ेगा हर एक परेड पे और बाकी जितना भी NCC की एक्टिविटीज़ है वो सब करने के लिए। ऐसा हो सकता है, ऑल्दो चांसेस बड़े कम रहते हैं क्योंकि सबकी अपनी वैकेंसीज होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट अगर आपकी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप करते हो, तो उनको भी साथ ले जाइए, दे विल ऐड ऑन। ओके, कि सर देखो मैं अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, इस तरीके। अगर आप ऐसे अपना केस पुटअप करोगे, देन सर्टेनली देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको NCC किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में मिल सकती है। सो आई होप आपका डाउट खत्म हो गया होगा या सोल्व हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी क्वेरी, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।